दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme की तरफ से आने वाले एक और नए स्मार्टफोन की। Realme बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च करने वाला है Realme C17 और Realme की जो C सीरीज है ना भाई, जितनी स्पीड से आगे बढ़ रही है भाई, विराट कोहली की सेंचुरीज भी इतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ी है जिस स्पीड से Realme C वाली सीरीज आगे बढ़ रही है। अभी थोड़े दिन पहले शायद जून में या जुलाई में C11 आया था, फिर उसके तुरंत बाद C12 आया, C15 आया और Realme C17 लॉन्च के लिए रेडी है और बहुत जल्दी आपको इंडिया में देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि भाई Realme के पास अब क्या बचा है, Narzo सीरीज लॉन्च हो गई है, Realme की जो नंबर सीरीज है वो लॉन्च हो गई है, तो अब Realme की तरफ से हमको C सीरीज में ही एक नया फोन देखने को मिलने वाला है और वो फोन डेफिनेटली Realme C17 होने वाला है। ये वाला जो फोन है ये बांग्लादेश में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, सारे स्पेसिफिकेशंस क्लियर हैं, किस प्राइस पॉइंट पर वहां पर लॉन्च हुआ है और इंडिया में किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हो सकता है, ये सारी चीजें आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हैं। लाइक टारगेट अपन रखते हैं 200 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं भाई फोन के बिल्ड एंड डिजाइन से। बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे, Realme के जो दूसरे फोन्स अभी लॉन्च हो रहे हैं कुछ कुछ वैसी ही बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। प्लास्टिक का बैक यहां पर आपको मिलेगा, प्लास्टिक की फ्रेम मिलेगी, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन दिया गया है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन यहां पर देखने को मिलता है। बिल्ड क्वालिटी एवरेज मिलती है, मतलब फ्रंट में आपको ग्लास गार्ड भी लगा करके रखना पड़ेगा और बैक में आपको कवर लगा करके रखना पड़ेगा, नहीं तो स्क्रैचेस के चांसेस हैं। तो बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिलती है, लेकिन भाई अब वो जमाने चले गए हैं जहां पर हम एक्सपेक्ट करेंगे 10-11 हज़ार की प्राइस पॉइंट पर हमको ग्लास बिल्ड मिले। अब तो कोई भी ब्रांड हमको नहीं दे रहा है, तो यहां पर हम शिकायत नहीं कर सकते बिल्ड क्वालिटी के मामले में, अच्छी बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको मिल जाती है। डिजाइन की अगर बात करते हैं तो दो कलर में फोन लॉन्च हुआ है, एक ब्लू कलर है और एक ग्रीन कलर है। दोनों कलर अच्छे लगते हैं। यहां पर टॉप लेफ्ट में आपको रेक्टेंगल शेप में कैमरा सेटअप मिलता है, जहां पर आपको 4 कैमरास मिल रहे हैं और एक फ्लैश देखने के लिए मिलता है। उसी के साइड में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। फ्रंट में बात करेंगे तो पंच होल मिलता है टॉप लेफ्ट में और हल्की सी चेन यहां पर आपको देखने के लिए मिलती है। ओवरऑल बिल्ड एंड डिजाइन की बात करेंगे तो अच्छा बिल्ड क्वालिटी दिया गया है और अच्छी डिजाइन दी गई है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो अगेन इस फोन में भी हमको सेम डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है जो हमको Realme के बहुत सारे फोन्स में देखने को मिला है, 6.5 इंचेस का HD+ रिजोल्यूशन वाला IPS LCD पैनल। अब ये जो पैनल लगाया गया है भाई 20:9 के एस्पेक्ट रेशो के साथ में आता है, 270 PPI के आसपास आपको पिक्सल डेंसिटी मिलती है, 82% के आसपास यहां पर आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशो देखने के लिए मिलता है। लेकिन इस डिस्प्ले का सबसे बड़ा हाईलाइट और सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलेगा। बहुत कम ऐसे फोन है भाई जो HD+ रेजोल्यूशन डिस्प्ले में आपको 90Hz का पैनल दे रहे हैं। यहां पर यह दूसरा ऐसा फोन है जहां पर मैंने देखा है कि HD+ रेजोल्यूशन के साथ में आपको 90Hz पैनल दिया जा रहा है, तो अच्छी बात है, स्मूथ एक्सपीरियंस आपको होने वाला है। लेकिन फुल HD+ रेजोल्यूशन अगर दे दिया जाता तो और ज्यादा अच्छी बात रहती, लेकिन यहां पर आपको HD+ रेजोल्यूशन से काम चलाना पड़ेगा। डिस्प्ले की बात करेंगे तो अच्छा डिस्प्ले यहां पर दिया गया है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, परफॉर्मेंस के लिए यहां पर लगाया गया है क्वालकॉम की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर। 460 प्रोसेसर के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसके कंपैरिजन अगर देखना चाहते हैं तो चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं, वहां पर देख सकते हैं। ब्रीफ में अगर मैं बात करूं प्रोसेसर के बारे में तो 11 नैनोमीटर पर बना हुआ प्रोसेसर है, क्रायो 240 वाले कोर्स मिलते हैं, 8 कोर मिलते हैं, 1.8 GHz की पीक क्लॉक स्पीड मिलती है और अड्रेनो 610 वाला GPU मिलता है। तो डे टू डे की परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल जाएगी, गेमिंग की परफॉर्मेंस आपको एवरेज मिलेगी, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं मिलेगी तो बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं मिलेगी, नॉर्मल गेमिंग आप इसके अंदर कर पाओगे। उसी के अलावा बात करेंगे रैम एंड स्टोरेज की तो LPDDR4X रैम मिलेगी और अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको UFS 2.1 वाला स्टोरेज देखने के लिए मिलेगा। रीड राइट की स्पीड इस फोन से आपको अच्छी खासी मिल जाएगी और प्राइस पॉइंट के हिसाब से UFS 2.1 वाला स्टोरेज दिया जाना काफी अच्छी बात है। तो परफॉर्मेंस के मामले में यहां पर आपको ज्यादा कोई समस्या फोन से नहीं होने वाली है, डिसेंट परफॉर्मेंस आपको इस फोन से मिल जाएगी। कैमरा सेटअप की बात करते हैं, पीछे की तरफ आप देखोगे तो 4 कैमरास आपको पीछे की तरफ मिलते हैं, 1 कैमरा आपको मिलता है फ्रंट में। पीछे वाले कैमरास की अगर बात करें, 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो दिया गया है और 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट सेंसर दिया गया है।
चार कैमरास पीछे की तरफ लगाए गए हैं, जिसमें से दो कैमरास कुछ काम के नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट फिर भी आजकल थोड़ा सा काम आ सकता है, लेकिन 2 मेगापिक्सल से उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाना चाहिए। 2-2 मेगापिक्सल तो ऐसा है भाई कि बस केवल लगाए गए हैं, वो काम कैसा करेंगे ये आप बता ही नहीं सकते हो। तो भाई 2-2 मेगापिक्सल नहीं ही लगाते तो ही अच्छा रहता। रियर कैमरा से आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 फ्रेम पर सेकंड पर। फ्रंट कैमरा की अगर बात करते हैं, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहां पर आपको दिया गया है, और उस सेल्फी कैमरा से भी आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 fps पर। कैमरा सेटअप एवरेज यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है, बहुत ज्यादा अच्छा कैमरा सेटअप नहीं है, एक एवरेज कैमरा सेटअप यहां पर आपको मिलता है। बैटरी की अगर बात करते हैं, 5000 mAh की बड़ी बैटरी यहां पर आपको देखने के लिए मिलती है। बैटरी का साइज काफी अच्छा दिया गया है, और इसके ऊपर से अच्छी बात यह है कि 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, और 18 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। ये काफी अच्छी बात है कि यहां पर चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है। साथ ही में कनेक्टिविटी की अगर बात करते हैं, तो टाइप सी वाला पोर्ट यहां पर आपको देखने को मिलता है, उसी के अलावा 3.5 mm का गड्ढा भी यहां पर दिया गया है, उसको गायब नहीं किया गया है। ओवरऑल कनेक्टिविटी के काफी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ब्लूटूथ 5 का आपको सपोर्ट मिल जाता है। सिक्योरिटी की अगर बात करते हैं, तो रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिल जाता है, फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। उसी के अलावा हार्डवेयर की अगर बात करते हैं, तो यहां पर हाँ डेडिकेटेड आपको माइक्रो SD कार्ड भी देखने के लिए मिलता है, मतलब स्लॉट देखने के लिए मिलता है। तो आप 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड इस फोन के अंदर लगा सकते हो, और मेमोरी कार्ड लगा करके 256 GB तक स्टोरेज को आप बढ़ा सकते हो। सॉफ्टवेयर एंड की अगर बात करेंगे, तो एंड्रॉइड 10 के ऊपर आपको फोन मिलता है, और आउट ऑफ द बॉक्स आपको रियलमी UI के ऊपर देखने के लिए मिलेगा, और बहुत जल्दी आपको रियलमी UI 2.0 का अपडेट भी इस फोन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। स्पीकर्स की बात करते हैं, तो सिंगल स्पीकर इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे, तो काफी अच्छे स्पेसिफिकेशंस इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। प्रोसेसर भी अच्छा दिया गया है, अच्छा डिस्प्ले दिया गया है, एवरेज डिस्प्ले बोलूंगा मैं, बिल्ड क्वालिटी भी आपको अच्छी मिल जाती है, डिसेंट कैमरा सेटअप आपको मिल जाता है, लेकिन जब हम बैटरी अच्छी मिलती है, फास्ट चार्जिंग का आपको सपोर्ट मिलता है। प्राइस पॉइंट की अगर बात करते हैं, वेरिएंट्स की अगर बात करते हैं, तो बांग्लादेश में 6 GB प्लस 128 GB वाला जो वेरिएंट लॉन्च हुआ है, उसका प्राइस जो बांग्लादेशी करेंसी में है वो है भाई 15,990 रुपए, 15,990 बांग्लादेशी टका। तो इसको जब हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये बनते हैं 13,896 रुपए इंडिया में। अब भाई इंडियन प्राइस और बांग्लादेश प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है फोन्स के, तो ये वाला जो फोन है मेरे हिसाब से ये आपको इंडिया में देखने के लिए मिल सकता है 11,500 रुपए की प्राइस पॉइंट पर, मतलब 11,499 रुपए इसका प्राइस पॉइंट रखा जा सकता है। और उसी के अलावा अगर बात करें ना इस फोन के जो स्पेसिफिकेशंस हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो यहां पर यूट्यूब पर, तो मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो बनाया था ओप्पो A53 के ऊपर। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा, तो ऊपर आई बटन में लिंक देता हूं, वहां पर जाओ उसको चेक करो। उसके और इसके स्पेसिफिकेशंस काफी ज्यादा मैच करते हैं, और वो वाला जो फोन है वो इंडिया में लॉन्च हुआ है भाई 12,990 रुपए में। और वहां पर एडवांटेज ये है कि वहां पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलता है, वहां पर आपको कैमरा बेटर मिलता है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, बाकी डिस्प्ले वगैरह सब सेम है, प्रोसेसर सेम है, लेकिन यहां पर आपको अपग्रेड मिलते हैं, और वो ऑफलाइन मार्केट के लिए बनाया गया है, तो उसका प्राइस थोड़ा सा ऊपर रहता है। 12,990 रुपए में वो वाला फोन लॉन्च हुआ है, तो ये वाला फोन डेफिनेटली 11,500 रुपए के आसपास मेरे को लगता है कि इंडिया में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि इन स्पेसिफिकेशंस के साथ में अगर ये फोन इंडिया आ रहा है, तो क्या प्राइस पॉइंट आप एक्सपेक्ट करते हो, कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।